आज है 20 जून और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन ये किया गया राजधानी दिल्ली में। अभी हाल ही में दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स की रिपोर्ट रिलीज की गई। ओवरऑल टॉप पर तो है एप्पल, लेकिन भारत की तरफ से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 46 प्लेस पर है। साहित्य अकादमी में कुल 23 लेखकों को 2024 के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। डेविड वीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, जो कि अफ्रीकी कंट्री नामीबिया से बिलोंग करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज लॉकी फर्गुसन, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, ये बने हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पर है मनीला, भारत की तरफ से मुंबई टॉप पर है। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा भारत, अगस्त के महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है अनामिका राजीव बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या ये कितनी हो गई है? तो लास्ट ईयर से यदि हम कंपेयर करें तो देश में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी ही है, बढ़ करके ये हो गई है 172, जो कि लास्ट ईयर हुआ करती थी 164। इस हिसाब से यदि हम देखें ना, तो परमाणु हथियारों के मामले में भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है। स्वीडन का थिंक टैंक है सिप्री, सिप्री मतलब की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या ये हो गई है 172। देखिए वॉरहेड का क्या मतलब होता है? वॉरहेड का हिंदी में अर्थ है मिसाइल, रॉकेट या तारपीडो से किसी जगह पर गिराया जाने वाला विस्फोटक भी आप कह सकते हैं। तो वॉरहेड की संख्या 172 हुई है, जबकि पाकिस्तान जो कि पड़ोसी है इसके पास 170 वॉरहेड मौजूद हैं। भारत के नए हथियार लंबी दूरी के हैं और ये पड़ोसी चाइना पर निशाना साध सकते हैं। तो देखा जाए कि किस देश के पास परमाणु हथियारों की संख्या सबसे अधिक है, तो उस साल भी टॉप पर रशिया बना हुआ है, इसके बाद अमेरिका, फिर है चाइना, फिर है यूरोप के दो देश फ्रांस और ब्रिटेन। भारत इसमें यदि आप देखेंगे तो ये आता है छठवें स्थान पर, फिर पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया का स्थान हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मिशन के तहत भारत अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन को भेजने वाला ये छठवां देश है? तो इस मिशन का नाम आप याद रखिए, ये हो जाएगा समुद्रयान, ऑप्शन नंबर। देखिए इस मिशन के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो समुद्रयान मिशन है ना, इसके जरिए भारत गहरे समुद्र में मिलने वाले जो रिसोर्सेस हैं, जो मिनरल्स हैं या आप कह सकते हैं खनिज पदार्थों और जलीय जीवों के बारे में अध्ययन करेगा। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इसी समुद्रयान मिशन के तहत एक पनडुब्बी है जिसका नाम है मत्स्य 6000। इसका नाम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी है, इसे 2024 की शुरुआत में चेन्नई के तट पर बंगाल की खाड़ी में परीक्षण के लिए भेजा भी गया था। तो समुद्रयान ये भारत अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन के लिए जो मिशन भेज रहा है और ऐसा करने वाला ये छठवां देश बनने जा रहा है। मत्स्य 6000 एक 3 व्यक्ति पनडुब्बी है जो समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक की गहराई तक जा सकती है। भारत के पहले अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान, ये ऐसे देश हैं जो कि गहरे समुद्र में चालक दल के साथ यानी कि किसी व्यक्ति को भेज करके अपना मिशन सफल कर चुके हैं। सवाल नंबर तीसरा है, हाल ही में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट ईयर होगा 2025 में, ये कौन होस्ट करने जा रहा है? इसे अपना ही देश भारत होस्ट करने जा रहा है। अभी हाल ही में जो FIH है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसने घोषणा की है कि नेक्स्ट ईयर 2025 में भारत जो है ये हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और दिसंबर के महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि इसका जो लास्ट एडिशन था ये 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। पहली बार हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में 24 टीमें शामिल होने जा रही हैं। 2023 में जब ये प्रतियोगिता हुई थी ना, तब जर्मनी विजेता था फ्रांस को हरा करके। बात की जाए यदि FIH की, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन ईयर है 1924, लॉजन में हेडक्वार्टर तैयब इकराम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। बांग्लादेश ना ये T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा इस साल का 2024 का महिलाओं वाला। और यदि बात की जाए अमेरिका और वेस्ट इंडीज की, तो ये भी T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रही हैं, लेकिन ये पुरुषों वाला होस्ट कर रही हैं जो अभी 29 जून को खत्म भी हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा है,
मर्सर के 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे बताया गया है? देखिए, इस चार्ट को यदि आप देख पा रहे हैं तो दुनिया के सबसे महंगे शहरों में हांगकांग हो गया, सिंगापुर, ज्यूरिख, जेनेवा, बेसल, इन्हें स्थान दिया गया है। तो ओवरऑल ग्लोबली यदि हम देखें तो हांगकांग है दुनिया का सबसे महंगा शहर और बाकी की पांच रैंकिंग मैंने आपको बता दी है। वैसे ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर बताया गया है मुंबई को, जहां व्यक्तिगत देखभाल, ऊर्जा, उपयोगिता, मतलब जो भी सर्विसेज है यहाँ बहुत ज्यादा महंगी है। ओवरऑल मुंबई है 136वें पर, दिल्ली 164, चेन्नई 189, ये ग्लोबली रैंकिंग है। बैंगलोर 195, हैदराबाद 202, पुणे 205 और कोलकाता को 207 प्लेस पर रखा गया है। तो मुंबई तो इसमें मैंने बता ही दिया है कि ये कौन से स्थान पर है, भारत की तरफ से टॉप पर है। ओवरऑल इसकी रैंकिंग हो जाएगी 136। वियना जो है ना, ये दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर। लंदन की यदि मैं बात करूं तो ये ट्रैफिक इंडेक्स 2023-24 में टॉप पर रही है। सवाल नंबर पांचवा है, किसने बच्चों के लिए अपनी पहली किताब जिसका नाम है एड फाइंड्स अ होम ये लॉन्च की है? तो रिसेंटली जो बॉलीवुड अभिनेत्री है आलिया भट्ट, इनके द्वारा लॉन्च की गई ये पहली किताब हो जाएगी। अक्षय कुमार की जो वाइफ है ट्विंकल खन्ना, इन्होंने भी कुछ समय पहले ही एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम हो जाएगा वेलकम टू पैराडाइज। और यदि बात की जाए बिल गेट्स की, बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं, इन्होंने भी हाल ही में एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम है सोर्स कोड, केवल टाइटल लिख रही हूँ इसका। और देश के जो क्रिकेटर हैं आर अश्विन, इनके द्वारा जो बायोग्राफी अभी हाल ही में लॉन्च की गई है इसका नाम हो जाएगा आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। सवाल नंबर छठवा है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, विनोद गनात्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सिनेमा में इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें सातवां नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। वे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बात की जाए यदि जेनी एपर्नबेक की, तो एक जर्मन लेखिका है, इस साल का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ना, जो कि साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, इन्होंने ही जीता है इनकी रचना कैरोस के लिए। रस्किन बॉन्ड की यदि मैं बात करूं, देखिए रस्किन बॉन्ड की कई ऐसी किताबें हैं जिसमें कि द ब्लू अम्ब्रेला रिलेट कर सकते हैं आप, और पूर्णिमा देवी वर्मन की यदि मैं बात करूं तो इन्हें अभी हाल ही में विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, विटली गोल्ड अवार्ड से ये दूसरी बार सम्मानित की गई थी। सवाल नंबर सातवा है, नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर की भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। ओलंपियन और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में भाला फेंक में गोल्ड जीता है और इन्होंने 85.97 मीटर का थ्रो किया है। इसके साथ गोल्ड मेडल इनके नाम रहा। इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप बूथ भी बनाए गए थे। सवाल नंबर है आठवां, मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन 2024 में किस राज्य में किया जाएगा? देखिए अगले महीने इसकी शुरुआत होनी है, यह आयोजित किया जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालाबार नदी महोत्सव यही आयोजित किया जाता है, इस साल का माने तो ये 10वां एडिशन होगा। इसका आयोजन केरल एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी द्वारा, पर्यटन विभाग, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद और कोझिकोड जिला पंचायत के सहयोग से ये शुरू होना है। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन इसका सहयोगी है, बस मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करी है। इसमें वाटर एडवेंचर्स की सारी चीज़ें शामिल होंगी, जिसमें कि कायाकिंग, कैनोइंग, ये सभी इसमें शामिल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। देश की पहली AI टीचर तिरुवनंतपुरम में लॉन्च की गई, जिसका नाम आयरिस है। यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड को भारत के साहित्य शहर के रूप में चुना गया है, जबकि संगीत शहर के रूप में मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। देश की पहली सोलर बोट की शुरुआत यही की गई सूर्यांशु, जिसका नाम है, सबसे शिक्षित राज्य यही है। साथ ही देश का पहला ग्राफीन सेंटर यहीं पर स्थापित किया गया है। मणिपुर से यदि आप रिलेट करें तो संघाई फेस्टिवल रिलेट कर सकते हैं। असम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो इस साल इसने होस्ट किए थे, चौथा एडिशन था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी, जबकि देश का पहला AI शहर जो कि है बनने जा रहा है लखनऊ।
सवाल नंबर 9वां है, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? तो ये जून महीने की 19 तारीख को मनाया गया है। सिकल सेल एक अनुवांशिक रक्त विकार यानी कि जेनेटिक है। ये दिन जनता, सरकार और अन्य हितधारकों के बीच इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना है ताकि बीमारी का शीघ्र पता लगाया जा सके और रोगियों को राहत प्रदान करने के निवारक उपायों का उपयोग किया जा सके। इस बार की थीम है प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। मैं आपको बता दूं, भारत ने इस बीमारी के उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है, ये रखा है 2047 तक का। 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस, 15 जून को विश्व पवन ऊर्जा दिवस और रक्तदान दिवस ये आपका 14 जून को मनाया गया है। 10वां सवाल है, हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये भी हाल ही में बन गई है श्रुति वोरा। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्लोवेनिया के लिपिका में किया गया था, जहां इन्होंने घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट अपने नाम किया। हालांकि ये कई अन्य खेलों में भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी है, जिसमें कि ड्रेसेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, रिसेंट वाला तो 2022 का ही, बाकी फिर 2014 और 2010 में जो इवेंट्स हुए हैं एशियाई खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। अनामिका राजीव की यदि मैं बात करूं तो इंडियन नेवी की ये पहली महिला पायलट बनी है। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज महिला, 55 वर्ष इनकी उम्र है। अभी जस्ट मैंने पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम बताया है, जिन्होंने दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार अपने नाम किया है। आज हम स्टैटिक जीके में भारत के बायोस्फेयर रिजर्व यदि देखें तो ओडिशा से आप रिलेट कर सकते हैं सिमलीपाल, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश से, कक्षकरण गुजरात से, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार से, डिब्रू साइखोवा असम से, और असम से ही मानस बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड से नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु से, नोक्रेक मेघालय से, सुंदरवन पश्चिम बंगाल से। मैंने कल आपसे पूछा था तीसरी बार देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कौन बने हैं, आंसर इसका था अजीत डोभाल। आज का सवाल है, बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की जो ग्लोबल लिस्ट जारी की गई, इसमें किस देश को जोड़ा गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।